हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के ऊपर। उसका देखेंगे आज क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज क्या है। तो और देखेंगे हम क्रूड ऑयल में कहां पे एंट्री कर सकता है, बाय या सेल में जा सकता है, उसका ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल आज पिवट पॉइंट 3367, फर्स्ट रेजिस्टेंस 3430, सेकेंड रेजिस्टेंस 3502 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 3565। फर्स्ट सपोर्ट 3295 एंड सेकंड सपोर्ट 3232 एंड थर्ड सपोर्ट 3160। तो अगर डेली चार्ट में देख सकते हैं क्रूड ऑयल का डाउन ट्रेंड में है, लेकिन थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिया हुआ है। मुझे लगता है ये 50% रिट्रेसमेंट दिया हुआ है 3450। तो 50% रिट्रेसमेंट के बाद एक्चुअली क्या होता है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं मार्केट, मुझे लगता है ये रीजन से थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आना चाहिए। 50% जो फिबोनाची का ये एक वेब पकड़ के हम अगर फिबोनाची को इसको काउंट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रीजन होता है ये 50% रिट्रेसमेंट हुआ है। तो यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आने का चांसेस है। तो इसलिए क्या है, जो ये रीजन में हमें इसमें बाय नहीं करना चाहिए 3430 में, तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमें सेल करना एक अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है डेली में, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसको छोटा टाइम फ्रेम में, जैसे 15 मिनट में आप देख सकते हैं, 15 मिनट में आप देख सकते हैं तो मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, जैसे ये एक हायर हाई बना के जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको, मुझे लगता है ये पॉइंट में जो नियर आपका रेजिस्टेंस लाइन का आसपास गया, तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लाइन के पास फिर से एक बार रीटेस्ट कर सकता है। तो ये अगर नियर आपको 3453 के आसपास मिला तो अच्छा है, तो यहाँ से फिर से सेल कर सकता है। लेकिन एक बात और हमें देखना पड़ेगा, यहाँ से हमें अभी सेल कहाँ पे लेना है। तो जितना भी हो सके मैं लोअर पॉइंट को कनेक्ट करना चाहता है यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लोअर पॉइंट को कनेक्ट किया, जैसे एक वन टस, टू टस या थ्री टस एक लोअर पॉइंट। तो आपको अगर नीचे में मिला इसका नीचे ये जो ट्रेंड लाइन, तो अराउंड आपका 3345 का आसपास से अगर आपको मिला तो यहाँ से आप सेल जा सकता है ये रीजन से, राइट। ये रीजन से आप सेल में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बाय लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये डेली डाउन ट्रेंड में है और जितना रिट्रेसमेंट देना चाहिए डेली में, तो आप देख सकता था डेली में ऐसे नीचे आ रहा था, तो जितना हो सके ये रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कर दिया। तो ये जो रीजन है, तो ये जो हमें जो एक रेजिस्टेंस लाइन मिला था ये रेजिस्टेंस लाइन का आसपास में है। तो यहाँ पे अगर बाय लेगा तो मार्केट नीचे आने का चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे आप सेल में जा सकता है। अगर बाय जाना है तो ये जो लाइन है जो देखा आपने 3450, इसका ऊपर से ही आप बाय जा सकता है, राइट। तो अब मैंने ड्रॉ कर दिया ये रेजिस्टेंस सपोर्टिंग लाइन, एक डायगोनल सपोर्टिंग लाइन। तो इसका अगर ब्रेकआउट किया तो इसको ब्रेकआउट करने का नीचे में आप सेल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है एक्जैक्टली, तो जब मार्केट नीचे इसको ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद एक फिर से एक जो रेजिस्टेंस सपोर्टिंग लाइन है, तो सपोर्टिंग लाइन एक रेजिस्टेंस लाइन बनेगा, तो इसे रिटेस्ट करके फिर से नीचे आने का चांसेस है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।